खैरियत? जी। कोई खास बात? क्यों आए थे ये जरूरतियात? ऐसे ऐसी आप अगर कहें तो एंट्री बैन करवाई जा सकती है मौसम की। अरे सीरत साहब, आप यहाँ? एडिटर साहब ने आपकी तलाश में हर कार्य दौड़ा रखे। क्यों खैरियत? खुदा जाने या वो जाने। अच्छा मैं देखता हूँ। जी क्या कयामत टूट पड़ी जिस तरह चिल्लाते चले आ रहे हो। अगर सिलाई आंख में लग जाती तो सिलाई टूट जाती। आय हाय, अभी तो सब कुछ मेरे कब्जे में है, उस पर ये हाल है बेटे का। हाँ क्या बात है अम्मा, क्या बात है, आज तो बड़ी तैयारियां हैं। खैर तो है? आए तैयारी वाली कुछ नहीं, तैयारी तो मैं तेरे वलीमे पे करूंगी। हाय, साटन का पजामा होगा, आंख के नशे का कुर्ता, जाली का दुपट्टा। खैर अब तो ये बता, तू आया क्यों था इतना चिल्लाता हुआ? वो अम्मा वो क्या कहना था। ओए हाय, अभी तो सर पे जिम्मेदारी नहीं पड़ी, उस पर ये हाल है। जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो पूरा ही चौपट हो जाएगा। खैर जब तक मैं ये सिलाई डाल लूं उस तक याद कर ले, मुझे भी उलझन होगी। क्या कहने आया था वो? मैं ये नहीं क्या। क्या बात है, इसके से परेशान क्यों? बहुत गलत बात है, हम इस तरह मिलना नहीं चाहिए। सब ठीक हो जाएगा सुबह, रिलैक्स। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा सीरत के बारे में क्या ख्याल है? He's a nice person. ऑफिस में बेशतर लोगों की भी यही राय है उनके बारे में। तुमने उसे कैसा पाया? मैं सीरत साहब की यूनिवर्सिटी के जमाने से बहुत इज्जत करती हूँ। वजह? He's a very cooperative person और बहुत sincere person है। गुड, वेरी गुड। तो और क्या खूबियां हैं सीरत साहब? क्या मतलब है आपका? भाई मेरा मतलब है कि काबिले एतमाद है, हमारे काम आ सकता है। नहीं शिराज, नहीं। क्यों? He's always been so nice to me. मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसा। तुम्हारे साथ बुरा कौन हो सकता है? You're so lovable. भूल गए आपने क्या किया था मेरे साथ? Sorry. देखो सोहा, सीरत मुझे ठीक ठाक आदमी लगा है। मेरा ख्याल है कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे भी ये जो शायर अदीब और सहाफी टाइप के लोग होते हैं अमूमन बड़े शरीफ होते हैं, बड़े महजब होते हैं। इन लोगों की अगर थोड़ी सी तारीफ कर दी जाए तो वैसे ही भूल जाते हैं लोग। इन लोगों से रिश्ता तोड़ना भी आसान होता है और जोड़ना भी। आई एम श्योर के सीरत को फंसाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। कैसी बातें करने लगे आप? वो पहले मुझे शादी का कह चुके।
रियली? और तुम, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो उसमें? अगर मैं इंटरेस्टेड होती तो यहां नहीं बैठी होती। देखो सुहा, अगर वो इंटरेस्टेड है तुम्हारे में, ख्वाहिशमंद है शादी का, तो सारी प्रॉब्लम हल हो जानी चाहिए। आग लगी हुई है बस, तरह हवा देनी है। कह दो उससे कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। मैं होता ना अगर तुम्हारी जगह, तो बिल्कुल टाइम जाया ना करता। काश होते आप मेरी जगह। You don't know, sir. You don't know how much I care about you. कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। प्लीज सीरत से बात करो। देखो सीरत जैसा आदमी है जो हमारे काम आ सकता है। ज्यादा वक्त जाया नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, बात करूंगी। लेकिन तुम्हें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, कहीं उसे शक ना हो कि, अगर शक हो गया तो ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। शक ना हो जाए? हाँ, मेरा मतलब उसको ये शक ना हो कि तुम उससे शादी मेरी वजह से कर रही हो। क्या मतलब है आपका? मैं सीरत साहब से झूठ बोलूं? बोलना पड़ेगा, वरना हो सकता है वो नाराज हो जाए और राजी ना हो। मैं एक शरीफ आदमी जो मेरे साथ मुखलिस भी रहा हो, उसको मैं धोखा नहीं दे सकती शिराज। How innocent you are. देखो इस दुनिया में हर शख्स अपनी गर्ज के पीछे दौड़ रहा है। तभी तो इतने लोग रौंदे जा रहे हैं। बाबा हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए बस। कोई पामाल होता है तो होता रहे। हाँ? मैं अपनी खुदगर्ज नहीं बन सकती शिराज। प्लीज सर, प्लीज, फॉर माय सेक, फॉर योर ओन सेक। देखो इंसान पर सबसे ज्यादा हक उसकी अपनी जात का होता है। क्या खुश रह सकती हो मेरे बगैर? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और जाने का खदशा हो तो मुर्दार भी जायज हो जाता है। तुम्हें मेरी कसम, प्लीज मेरी खातिर। साहब सही कह रही हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा इतना खुश मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, एक बात बता, तुम्हारी आपस से मैं खुद बात करूं या किसी और को मां भेजने का बंदोबस्त करूं? पहले मैं खुद बात कर लूं आपस से। ओके, as you wish. लेकिन पहले फॉर समय थैंक यू सर। अब बच्चों देखना चाहती है क्वीन किस तरह। ये देखो गई क्वीन। नहीं गई। चाचू ये क्वीन इतनी आसानी से नहीं जाती। ये लेंगे क्वीन। क्वीन लेने वालों की शक्लें ही और होती हैं।
जोर से दबाना, हाथ से तो जान नहीं तेरे। फिर तुम्हारी बारी। अरे बच्चो, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो किचन में खाना पका रही है। जल्दी करो, मेरी बारी है। चुप क्यों हो? जवाब दो। पापा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे इस इकदाम की वजह से इस घर में मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? क्या मुंह दिखाऊंगे खानदान वालों को? आपा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। क्यों नहीं है और रास्ता? रास्ते बहुत हैं, मगर तुम्हारी आंखों पे तो पर्दे पड़ गए हैं, इसीलिए तुम्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आता। देखो, अगर तुम्हारी किस्मत इत्तफाक से तुम्हें शिराज के पास वापस ले जाए तो वो और बात होगी, लेकिन तुम जानते बूझते एक ऐसा रास्ता इख्तियार करने जा रही हो जो मजहब और इखलाक दोनों के खिलाफ है। औरत को खिलौना तो नहीं है कि मर्द बिगड़े हुए बच्चे की तरह जब चाहा फेंक दिया, जब चाहा उठा के गले से लगा लिया। आपा, तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम एक ऐसे शख्स के पीछे पागल हो रही हो जिसने तुम्हें आजार पहुंचाया, सारी दुनिया के सामने तुम्हारा तमाशा बनाया, और जो बात बकौल तुम्हारे वो तुम्हारे और अपने सिवा और किसी को नहीं बताना चाहता था, अपनी इस हरकत की वजह से सारी दुनिया पर जाहिर कर दिया है। क्या यही होती है मोहब्बत? एनीवे, मुझे तो है ना उनसे मोहब्बत। जो मोहब्बत आमादा जिल्लत हो वो मोहब्बत नहीं, महज जज्बातियत होती है। शिराज के तलाक देने के बाद जिन लोगों ने तुमसे इजहार हमदर्दी की थी, तुम्हारी इस हरकत की वजह से उन्हें भी बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। मजीद, तुम एक ऐसे शख्स को धोखा देने जा रही हो जिसका कोई कसूर नहीं, ये तो सरासर खुदगर्जी है। आपको कभी कभी इंसान को खुदगर्ज हो जाना चाहिए। वैसे भी ये सारी दुनिया अपनी गर्ज के पीछे तो दौड़ती है। ये अल्फाज तुम्हारे हैं? तुम इतनी खुदगर्ज कब से हो गई? अब प्लीज प्लीज आप मुझसे इतना खफा मत हो। मैं इससे ज्यादा भी हो सकती हूँ, समझी तुम? मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि मैं तुम्हारे उस कुलीग के पास जाऊं जिसे तुम बेवकूफ बना रही हो और सब कुछ बता दूं। जिस शख्स का इस नाटक में इतना अहम किरदार हो उसे ये तो पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है, वरना वो बेचारा क्यों कर इंसाफ कर पाएगा अपने किरदार से। कहीं दूर ये समा छोड़ दे, दुनिया की रस्म रिवाज तोड़ दे। डंके की चोट पे ही। अच्छा तू ये बता कि तू इतनी देर से क्यों आया? और छोड़, तू ये बता कि हमारी बहू साहब कैसी हैं? और तुझसे क्या रिश्ता उनका? ओहो, चल सोहा बीवी के बारे में बता डंके की चोट पे। अच्छी है, मजे में है, नौकरी कर रही है। इतना अकड़ के क्यों बता रही है? क्यों ना बताऊं? तेरे लड़के ने तो कदर करी नहीं हमारी लड़की की। बड़े ही ना कदरे लोग हो तुम लोग। एक बार मुन्ने को तो चानस देके देखती, ऐसी कदर दाढ़ी करता है, ऐसी कदर दाढ़ी करता कि दुनिया याद रखती। अरे शराज मियां ने तो हमारी रेपुटेशन ही खराब कर दी है डंके की चोट पे। बस रहने दे, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। वैसे कुबरा, मैं ये सोचे हूँ कि अमर दोनों की जो कहानी चल रही है इसका कोई अंजाम है भी या नहीं, या यूं ही सौदे के बहाने मिलते रहेंगे डंके की चोट पे। हाँ, कभी कभी तो ये मैं भी सोचती हूँ। पता है मुझे, पता है नहीं होगी तुम्हारी यहाँ पर राजी, पता है। और अगर आज तुम्हारे भेनाई को ये सारी बात का पता होता तो इस वक्त उछल रहा था वो। देखो सोहाब,
तुम्हारी बहन और बहनों ये नहीं चाहते कि तुम दोबारा अपना घर आबाद करो। वो तो यही चाहेंगे ना कि तुम उनके बच्चों को खिलाओ, उनका ख्याल रखो, उन्हें पढ़ाओ, होमवर्क करवाओ, उनकी बेबी सिटिंग करो, बस। ऐसी बात नहीं है शिराज। बहुत गुस्सा आता है मुझे तुम पे जब तुम अपनी बहन को डिफेंड करती हो। बस डाल दिया ना तुमने अपनी बहन के कानों में ये बात, अब उससे और बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सीधे से कह दो कि तुमने अपनी बहन से बात की है, वो राजी नहीं हो रही क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसके देवर से शादी कर लो। द ओनली सोल्यूशन इज के खामोशी से निकाह कर लो सीरत से, आपा को बताए बगैर। कम ऑन सुहा, यू नॉट अ चाइल्ड एनी मोर फॉर गॉड सेक। कोई गैर शादीशुदा लड़की तो तुम हो नहीं। क्या अगर यादव के बगैर शादी कर लोगी तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। तुम एक खुद मुख्तार बाख्तियार औरत हो, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हो तुम। वो तो ठीक है शिराज, मगर आपा ने हमेशा मेरे अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। सो व्हाट, कोई एहसान नहीं किया उन्होंने तुम पे। बहन भाई अजीज और कारब सब इसीलिए होते हैं भाई। कल उन पे अगर कोई बुरा वक्त आ जाएगा तो साथ दे देंगे हम भी उनका। अल्लाह ना करे उन पे कोई बुरा वक्त आए। सारी दुनिया से हमदर्दी है तुम्हें सवाए मेरे। आप समझते क्यों नहीं शिराज? सब समझता हूं मैं। नहीं समझते आप। अगर आप समझते होते तो ऐसी जली कटी बातें नहीं कर रहे होते। ठीक है फिर जाओ, जाओ जाके अपनी आपा को खुश करो, जाओ ना। नाराज तो मत हो प्लीज। काश काश आप समझ सकते मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत है मुझसे तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेती तुम? दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा, दुश्मन समझती हो तो मुझे अपना। अच्छा ठीक है करती हूं मैं बात। बात क्या करती है? सोहा की कुछ खैर खबर नहीं है। ऑफिस फोन करती हूँ तो पता चलता है कि ऑफिस के काम से बाहर गई हुई। घर फोन करती हूँ तो पता चलता है कि अभी तक ऑफिस से लौटी ही नहीं। शिराज का भी यही हाल है, वो भी ऑफिस को बहुत कम वक्त देता है। आपने शिराज भाई से पूछा तो होता कि क्या रहा? मैं दोस्तों के मामलात में उस वक्त तक दखल अंदाजी नहीं करता जब तक उसकी जरूरत महसूस ना करूं। अच्छा वो बी साहब का क्या हाल है? मेरी कल बात हुई थी फोन पर उनसे, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। सहा आप एक बार मुझे अपनी आपा से मिलवा तो दे, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। वो किसी कीमत पर राजी नहीं होंगी। पुप्पी जान ने अब्दाल भाई को और अब्दाल भाई ने रूहा आपा को मजबूर किया हुआ है। फिर सोच लें एक बार अगर दिलों में गिरा पड़ जाए ना तो फिर खोलना मुश्किल हो जाता है। मैं बाद में आपको खुद ही मना लूंगी। Are you sure? Yes, sir. Righto. सोए नहीं आप? दवा ली थी? हाँ ली थी। तो फिर आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया था? आज तुम दफ्तर गए थे, मैंने जितनी मर्तबा फोन किया वहां से यही जवाब मिला कि अभी दफ्तर नहीं आए हैं, अभी दफ्तर नहीं आए हैं। बेटे तुम सुबह के गए शाम को आते हो, ना तुम्हें घर की परवाह है, ना तुम्हें मेरी परवाह है, ना अपनी बिजनेस की। सब ठीक हो जाएगा। ये जुमला मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूं, ये जुमला नया नहीं है मेरे लिए।
तुम जिस चक्कर में हो ना, मुझे थोड़ा बहुत उसका इल्म है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? मैं बहुत फिक्रमंद हूं तुम्हारे लिए। फिक्र ना किया करें बस। काश काश ऐसा हो सकता। ये है हमारा घर। कैसा लग रहा है? अच्छा, यहाँ सीढ़ियाँ जाती है ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ किचन है और ये हमारा बेडरूम है और अरे लाउंज में आपको पहले देखो। आइए, कैसा लग रहा है? अरे फैमिली से आपको मिला, ये मेरी फैमिली, मम्मी हैं, पापा हैं, ये मेरी बहन है जो दुबई में होती है और ये बहन जो है वो जद्दा में होती है और ये देख रही हो कौन है पहचानो, ये जो को पाला पाला शाम मैं हूं, ये अच्छा लग रहा हूं, ये हमारी बचपन की तस्वीर है। कुछ नहीं। चल अब तुम्हें मैं बेडरूम दिखाऊं। ठीक है, चल आप। और ये है हमारा सोने का कमरा। अरे सो तुम वहीं रुकी, आ जाओ ना। कैसा लग रहा? घर तो हमारा छोटा सा है लेकिन तुम्हारी और मेरी मोहब्बत से हम उसको जन्नत बना लेंगे। अरे तुम खड़ी क्यों, बैठ जाओ ना। क्या बात है सुहा, तुम घबराई भी क्यों? देखो सर, मैं तुम्हारी उलझन को समझ सकता हूं, सुहा इंसानों पर आपका एतमाद नहीं रहा ना, अपनी जिंदगी के नए सफर पे निकलते हुए वो भी अपनी मर्जी से, फिर भी आप इतनी खौफजदा हैं। सर मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं कर सकता लेकिन आपके साथ इस सफर पर निकलते हुए एक वादा जरूर करता हूं, मैं लोगों पर आपका खोया हुआ एक बार बहाल कर लूंगा। हाँ सर, आप उस पर यकीन रख सकते हैं। माय गॉड, ये तुमने क्या किया सुहा? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था रुखसार कि मैं शिराज से इतनी मोहब्बत करती हूं।
आई एम सॉरी सुमन, मोहब्बत को इतना पागल भी नहीं होना चाहिए। ये तुम कह रही हो रुखसा? तुमने और मंसूर भाई ने तो मुझको मजबूर किया था शिराज से मिलने के लिए, लेकिन हमने तुम्हें ये नहीं कहा था सुबह कि तुम शिराज भाई के लिए एक शरीफ इंसान को एक्सप्लॉइट करो। बहरहाल तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी हो। प्लीज रुखसार, मुझे आपा का सामना करने की हिम्मत दो प्लीज। सुहाग, किस तरह से हिम्मत में तुम्हें, तो खुद उलझ गई। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम सीरत साहब को। सॉरी अपा, तुम क्या समझती हो तुम्हारे सॉरी कह देने से मैं उस शर्मिंदगी से बच जाऊंगी जो मुझे अब्दाल और पुपी जान के सामने हुई है? और खुदा ना खास्ता अगर ये बात घर से बाहर निकल गई तो कोठों चढ़ जाएगी। अपा, मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो मैं तुम्हें आखिरी हद तक डिफेंड करती, मगर क्योंकि मुझे मालूम है कि बात महज यही नहीं है इसलिए मैं तुम्हें डिफेंड भी नहीं कर सकती। खुदा जाने तुम्हारी इस हरकत के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। मुझे तो उस लड़के पर तरस आ रहा है जिसके साथ तुम ये खौफनाक खेल खेल रही हो। I miss you too, मेरी जान। हमने पहले भी आपको बहुत मिस किया था। तुम लोग ऐसे करना, मुझे फोन जरूर करना, और हो सके ना तो चाचू के साथ मिलने भी आना। पता नहीं, दादी अम्मा और बाबा बहुत ही नाराज हो रहे हैं। मैं तो पछता रही हूं मंसूर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा कसूर ही हमारा है। इसमें हमारा क्या कसूर? हमारा क्या कसूर? सोहा को शिराज भाई से मिलने पर हमने ही मजबूर किया था। देखो, माना कि ये कसूर हमसे सरजद हुआ था, लेकिन सुहा भाभी भी तो समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? मंसूर, ये आप कह रहे हैं? आप मर्दों का भी जवाब नहीं है। पहले तो मिन्नतें करते फिरते और बाद में बेचारे सीरत भाई मुफ्त में मारे गए। ऐसी भी क्या बेलगामी, ना अपनी इज्जत की फिक्र, ना इस घर की सुहाई का डर। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। मैं बेटा, तू क्यों अपनी जान जला रहा है? कौन सी तेरी वो सगी बहन है? मामूजात तो है ना, इस घर की फर्द तो है, अगर उंगली उठेगी तो इसी घर पे उठेगी। ये तो भुगतना पड़ेगा हमें। लोगों से ये भी तो कहा जा सकता है कि निकाह हम लोगों ने करवाया है। ऐसी बातें छुपाई नहीं जा सकती। बुरा ना माना भी, अगर बुरा लगे भी तो मुंह पे कह देना। पहले भी कौन सा उसने हमसे पूछ लिया था जो अब पूछ लेगी वो? हाँ, किसी को बताने की उसने जरूरत महसूस नहीं की,
और बाहर के बाहर सब कुछ कर लिया। जैसे हम मर गए थे सब यहाँ पे, कोई था ही नहीं इसका। उसने मुझसे इजाजत मांगी थी मगर मैंने मना कर दिया। क्यों? मैं नहीं चाहती थी कि वो एक अनजाने आदमी पर भरोसा करे। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो या किसी को तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर दीजिएगा। खुद ही उठा लूंगी। मुझे मालूम है मुझे क्या आप उठा सकते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि मुझे आपका काम करके कितनी खुशी होती है। थैंक यू प्यार भाई, आपने बहुत ख्याल रखा है मेरा इस घर में। मेरी दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें। एक बात कहूं अब्रार भाई? जरूर। आप कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लें, बहुत खुश रहेगी। कुछ लोगों को शादी किए बगैर भी रहना चाहिए। चले चलते हैं। चांद के ऊपर जाऊंगा, चांद से भी कैसा लग रहा है? अच्छा है। पता क्या, मैं अब तक तो अकेला रहता था इस घर में, तो बस हर चीज बेतरतीब ऐसी मामला चल रहा था। ये थोड़ा बहुत भी आपा जो आती है ना तो वो सजा के चली जाती है। अब आप आ गई हैं तो ये आप ही का डिपार्टमेंट है और मेरा से कोई ताल्लुक नहीं, राइट हो? अरे हाँ, एक बात बताना तुम्हें भूल गया। वो आपको मोटरसाइकिल पर बैठना अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने ना वो बेच के ना आपके लिए एक छोटी गाड़ी खरीद ली। आज की ताजा खबर। ठें 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 ठें। खैरियत तो है अकबाल साहब, कहिए क्या खबर लाए हैं? अरे निमरा साहिबा, आप बूझे तो जाने, लगता है इकबाल साहब की हमारे लंदन ऑफिस में तायनाती के अहकाम आ गए हैं। अरे मुजीब साहब, आपको तो हर वक्त लंदन की पड़ी रहती है। अरे मियाँ, बड़ी सनसनीखेज खबर है, जल्दी बताइए इकबाल साहब। सबर सबर, तो सुनिए आज की ताजा खबर। सीरत साहब और मिस सहा ने शादी कर ली। यस, तो इसमें बुराई की क्या बात है? हमें तो पता था कि ऐसा ही होगा, इकट्ठे चाय इकट्ठे लंच, आखिर कुछ अंजाम तो होने ही था ना।
वैसे मिस सुहा लगती कितनी मासूम है ना। वारी साहब चेहरों पे मत जाया कीजिए, देते हैं धोखा ये बाली घर खुला। वाह, मगर सीरत साहब तो अच्छे भले शरीफ आदमी थे। ये क्या बात हुई मुझे साहब, शादी तो हमने भी किया तो इसका मतलब है कि हम शरीफों की लिस्ट से निकल गए। वैसे दावत वलीमा कब हो रही है? बुखारी साहब इनविटेशन कार्ड का इंतजार कीजिए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आप ही को जब पता चलेगा कि हमने उन्हें बगैर बताए शादी कर ली है, बड़ा अफसोस होगा उन्हें, बहुत दुख होगा और हो सकता है उन्हें गुस्सा भी आ जाए। क्योंकि साहब सिर्फ उन्हीं को मेरी शादी की बहुत फिक्र थी। एनीवे, जब वो तुमसे मिलेंगी ना तो बहुत खुश होंगी और जब तुम उनसे मिलोगी तुम भी बहुत खुश होगी। शी इज वेरी लविंग। अरे भाई तुम्हारा तो दिल बिल्कुल चिड़िया के जितना है, टेलीफोन की धमकी बजी है, कोई सूरह इसराफील तो नहीं फूकी गई है? मैं देखता हूं। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज पसंद नहीं आई। कैसी हो? तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, ऑनेस्टली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है शिराज। डर? क्यों? सीरत को अगर शक हो गया तो क्या होगा? हाँ तो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा उसे। मजाक का वक्त नहीं है शिराज। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखो मजाक कौन कर रहा है, मैं तो संजीदा हूं और बड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूं मैं ये। देखो डरने की जरूरत नहीं है सुहा, क्योंकि डरने का वक्त तो गुजर गया ना। किस मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे, आपको पता है घर वाले मुझसे सख्त खफा हैं। इजी 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 माय डियर, मुश्किल के बाद ही तो राहत मिलती है। मुश्किल ही मुश्किल, मुझे तो अपने से शर्म आने लगी। क्यों क्यों भाई? ये भी कोई पूछने की बात है? देखो सो आप वक्त आने दो, मैं आई प्रॉमिस यू दिस कि मैं तुम्हारी सारी शिकायतें सारी मुश्किलें सब दूर कर दूंगा। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो आई प्रॉमिस यू दिस कि मैं मना लूंगा उनको। ऊपर से सीरत ने हनीमून के लिए 15 दिन की छुट्टी भी ले ली। What? हनीमून? Is he crazy? पागल हो गया वो? एक बात कान खोल के सुन लेता हूं, तुम हनीमून पे नहीं जाओगी बस।